evening and welcome to Mere Ghar Ka Khana. Hello Nihar, hello Golden Khan, Meher Mirza, Shweta, the Pretty Shade, Himani. So nice to see all of you here. Falguni, good evening girls and boys. Dress can be hotter. Why? The food should be hotter. Why should the dress be hotter? I think it's a beautiful outfit from Sandlore. I absolutely love it. The best part is it's my pockets bhi hai, Shruti. तो मैं अपना फोन रख सकती हूँ. एंड इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है. ये मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला है सैंडलोर की तरफ से, जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े भेजती तो रहती हैं. लेकिन दिस वन इज रियली लवली एंड सॉफ्ट एंड आई लव द कलर्स. थैंक यू सैंडलोर, वी विल ऑब्वियसली बी टैगिंग देम. हेलो कावरी थरवर, हेलो मुजफ्फर, हेलो गौतम शर्मा, कविता, आई एम सो ग्लैड बिकॉज ऑफ मी योर वीकेंड बिकम स्पेशल एंड बिकॉज ऑफ यू My weekend becomes special. तो आज special weekend में क्या बन रहा है? आज बन रहा है, like you all know and all are very excited about. In fact, जब मैंने decide किया कि मैं पनीर की ये dish बनाऊंगी, तो मेरी team ने बोला आपने कितने पनीर बनाए. संजू और श्रुति भी बोला पनीर कितने. मैंने कहा भाई पनीर हमारे लोगों का सबसे अति favorite dish है. तो अगर सबको पनीर अच्छा लगता है तो अलग अलग type की recipe क्यों ना बनाई जाए. The decision to make this malai paneer was also because मेरे भैया और भाभी आए हैं दुबई से, और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी कुक है तमन्ना. एंड उन्होंने ये पनीर की डिश परसों जब हम साथ में थे तो वो और मैं मम्मी के घर में ही ठहर रहे थे, तो बहुत मजा आया. वी बॉन्डेड लाइक सिस्टर्स एंड कुक टुगेदर एंड एट टुगेदर. तो ये रेसिपी उन्होंने बनाई है, मलाई रेसिपी. तो उनकी ये स्पेशल है, तो मेरे घर का खाना ही हुआ क्योंकि मेरी भाभी है. तो मैं आज वो रेसिपी बना रही हूँ. साथ ही मैं बना रही हूँ मसूर की दाल. ये मेरी मम्मी की रेसिपी है एंड बहुत ही बढ़िया रेसिपी है इन हर टर्म्स. वेरी वेरी यमी. एंड अगर आप देखा जाए तो काली दाल जो बनती है उसमें कितना टाइम लगता है, तामझाम होता है. तो ये काली दाल की एक ईजी गेटिंग अलोंग सिस्टर है जिसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. एंड फ्लेवर्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, इट्स एज क्रीमी एज रिच एज यमी. सो मसूर की दाल बनेगी आज ब्यूटिफुल तड़के के साथ. एंड तीसरी चीज जो मैं बना रही हूँ वो है गोभी, मटर और गाजर. वेल विंटर्स हैव बिगन एंड दिस इज द बेस्ट सीजन टू मेक ऑल ऑफ दीज वेजीज. तो ये तीनों को मिला के एक बहुत ही मजेदार सब्जी बनेगी. और इस सब्जी को बनाने का एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगी, जिसकी वजह से ये सब्जी जो आप बनाएंगे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द गोभी, मटर, गाजर दैट यू हैव एवर मेड टिल टुडे. ओके, सो लेट्स बिगिन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद गोभी, मटर, गाजर. और साथ साथ में वंस आई स्टार्ट आई विल से हेलोस टू ऑल यू लवली अदर पीपल हु हैव जॉइंड, लाइक रेशु हु सेज आई ब्राइटन अप हर फ्राइडे एवरी वीक. ऑफ कोर्स इसके बाद ऑन माय वे बैक टू होम आई लव वॉचिंग यू एवरी फ्राइडे. थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू. यहां मैंने कढ़ाई ऑन करके रख दी है फॉर द सब्जी. आजा श्रुति बिगिन करते हैं. आई एम गोइंग टू, ओके लेट मी जस्ट फर्स्ट पोर द ऑयल. थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद मैं सब्जियां मसाला बनाना स्टार्ट करूंगी. तो आपने दाल किस तरह से बनाते हैं वो आपने आई होप मेरी स्टोरी में देख लिया है. यहाँ पे ऑलरेडी दाल कुकर में प्रेशर कुक हो चुका है. तो मसूर की दाल एक कप और साथ में चार कप पानी के साथ लिटिल ऑयल. आपने देखा तेल मेरे हाथ से ज्यादा पड़ गया. मैं ही कर रही थी, वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी और डाल रही थी बिकॉज एवरीबडी एल्स वॉज बिजी क्लीनिंग अप द किचन. सो लिटिल सॉल्ट, हल्दी, जिंजर पतले पतले स्लाइसेस एंड अ लिटिल ऑयल. और फिर करीब पांच से छह सीटियां देके मैंने छोड़ दिया है. अभी कुकर खुला नहीं है. ठीक है, यहाँ तेल गर्म हो रहा है. अब आ जाओ श्रुति, अब स्टार्ट करते हैं गोभी, मटर, गाजर के साथ एंड देन वी विल मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द स्टफ. तो यहाँ तेल गर्म हो गया है. ओके, अब इसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहां से ले आती हूँ. चलिए पहले एक चम्मच जीरा डालेंगे. हरी मिर्च, हरी मिर्च में कोई कंजूसी ना हो बिकॉज बहुत फर्क पड़ जाता है इसके टेस्ट. इट रियली एड्स टू द टेस्ट ऑफ द सब्जी. इनफैक्ट मैं थोड़ी सी और डाल रही हूं. और फिर इसमें पड़ेगा प्याज. ओके, अब प्याज को ज्यादा
लाल नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, धीरे 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 हमारा ना एक्चुअली तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर जीरा थोड़ा सा जल गया, इसलिए हम दोनों मर रहे हैं, हमारे अंदर गिर गया। अब मैं भी छीके मारना शुरू करूँगी। अब इसे हमें मीडियम आंच में छोड़ देना है। जो मैं टेक्निक की बात कर रही थी ज्यादा छीकने वाला, मेरी भी आंखें लाल हो गई हैं। जो मैं टेक्निक की बात कर रही थी इस सब्जी में, वो ये है कि पूरी सब्जी बहुत मध्यम आंच में पकेगी, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, मध्यम आंच में पकेगी। एंड कोई भी चीज ब्राउन वैसे डोंट डू ओवर एक्टिंग एंड कम एंड से हेलो टू एवरीवन एंड टेल दोज पीपल अपस्टेयर्स टू स्टॉप बैंगिंग। ओके, जैसे कि आपको पता है हमारे घर में काम चल रहा है, तो मैं मम्मी के घर रह रही हूँ, वीकेंड में आती हूँ आपके दर्शन करने और मेरे बच्चे के दर्शन करने। आई एम टू बी मिसिंग माई फैमिली मेम्बर्स बट इट इज वॉट इट इज। तो मैं जो टेक्निक की बात करी थी वो ये है कि ये मीडियम मध्यम आंच में सब कुछ बनेगा। तो यहाँ दिखाओ, ये प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। ओके, इन्हें ब्राउन ज्यादा नहीं करना है, ये ट्रांसलूसेंट जैसे ही हो जाए, अब इसमें मैं ये थोड़े मोटे मोटे कटे टमाटर डाली, तो एक टमाटर और एक प्याज। ओके, अब इसे मैं इसके अंदर अगेन हल्के हल्के आंच में इसे पकने दूंगी, बहुत ज्यादा इसे ब्राउन नहीं करना। और जैसे यूजुअली हम कई सारे मसाले बनाते हैं जिसमें मसाले को खूब भूनना होता है, ऑलमोस्ट उसका यू नो लिटरली भुरता बना देना होता है, तो वो ये सब इस सब्जी में ऐसा कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली यू जस्ट हैव टू कुक इट स्लाइटली। ओके, इसे अब थोड़ी देर पकने देंगे। तो अब मैं इसमें जो सब्जियां यूज कर रही हूँ सारे फ्रेश सब्जी है सीजन के। तो जो मटर है, कई बार मैं फ्रोजन मटर यूज करती हूँ, सब सीजन में नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर छिलके वाले मटर है, तो छिलके मैंने यूज किया है और वो पहले इसके अंदर जाएंगे। साथ ही में ये ब्यूटीफुल लाल गाजर आ गया है, ब्यूटीफुल कलर, विच रिमाइंड्स मी दैट जल्दी ही मैं गाजर का हलवा भी बनाऊंगी। एंड ऑफकोर्स गोभी। अब गोभी भी बहुत छोटे नहीं काटने और बहुत बड़े भी नहीं काटने हैं। आपको मैंने एक गोभी की रेसिपी दिखाई है जो मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, जिसमें बड़े बड़े गोभी होते हैं, स्लिट जिंजर हरी मिर्च होती है, बस उतना ही कुछ होता है। तो ये उससे बहुत अलग है, ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल है। इसमें छोटी छोटी सब्जियां ये काटती है, बहुत छोटी भी मत काटिएगा, बहुत छोटी काटिएगा तो वो क्या होता है कि गोभी इजिली डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एंड ट्राई एंड कीप द स्टेम इंटैक्ट, स्टेम इंटैक्ट होगा तो गोभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। गोभी को काटने के बाद 5 मिनट के लिए थोड़ा गर्म पानी में नमक के साथ जरूर छोड़ दें, उसके पानी को धो दें 5 मिनट के बाद, फिर फ्रेश पानी से 2 बार और अच्छे से धोएं एंड देन अपनी सब्जी में यूज करें। ये सब कार्यक्रम मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब इस पॉइंट में मैं डाल रही हूँ मटर, एक कप मटर। टमाटर के साथ आप देख रहे हैं टमाटर अभी तक पूरी तरह से गला नहीं है, विच इज वॉट वी वॉन्ट। साथ में पहले मैंने मटर डाल दिए हैं, मटर को करीब 3-4 मिनट के लिए हम पकने देंगे, उसके बाद हम बाकी की सब्जियां डालेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, तब तक मैं दाल का तड़का भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फाइनली मैं बनाऊंगी पनीर। पनीर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो जब तक ये सौते हो रहा है साथ साथ में मैं दाल का तड़का भी चढ़ा देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों ली है तड़के के लिए, बहुत अच्छी सोच है, इसका एक बहुत ही अच्छा वैलिड रीजन है। रीजन यह है कि तड़का बनाने के बाद जो दाल बनी है वो इसमें जाएगी, इसी में 2-3 बार उसको हम उबालेंगे एंड फाइनली इसी से भी हम उनको सर्व, उल्टा नहीं करेंगे, तड़का लगा के दाल में नहीं डालेंगे, क्योंकि इस दाल का मजा इसके तड़के में ही है, तड़के की क्वांटिटी भी काफी अच्छी बनती है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू यूज अ बिग कढ़ाई और अ बिगर वेसल, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, पॉट यूज करना चाहते हैं, जैसे कुकिंग पॉट होता है उसे भी आप यूज कर सकते हैं, बट ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द दाल का तड़का। आप चाहे तो क्या, मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि दाल का तड़का अगर घी में ना बने तो उसका बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी, हल्का सा मैं इसमें तेल भी डाल दूंगी ताकि घी आसानी से गलेंगे। इसे गर्म होने देते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे ये हरा हरा हो गया मटर। एट दिस पॉइंट
हम इसमें गाजर डाल देंगे, ठीक है। जैसे ही मटर की का कलर निखर के आ जाए फिर हम उसमें गाजर डाल देंगे। फिर अगेन 3 से 4 से 5 मिनट तक हम इसे जस्ट इस तरह से हल्के हाथों से चलाते रहेंगे। एंड लास्ट में हम गोभी डाल के इसे छोड़ देंगे। क्या होता है ना कि जब जब गोभी पड़ता है तो गोभी का मॉइस्चर निकलता है, उस गोभी के मॉइस्चर के वजह से सारी सब्जी इट फाइनली और कम्स टुगेदर। बट वी वॉन्ट टू सॉटे आर अदर वेजिटेबल्स विच आर हार्डर वेजिटेबल्स, जो मटर है तो गाजर है, उन्हें हम पहले थोड़ा सा सॉटे करके हल्का सा उसे ड्राई हीट में उसे पकाना चाहते हैं। सेम थ्योरी एज अ कैरमलाइजेशन जो मैं बात करती हूँ, ताकि जो उसकी खुद के शुगर्स है वो अच्छे से सील हो जाए और उसके फ्लेवर बाहर आ जाए। तो इसीलिए हम इसे अलग से थोड़ा सॉटे करते हैं बिफोर वी एड द गोभी। अब यहाँ पे ये घी ऑलमोस्ट गर्म हो रहा है, गर्म हुआ नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे। ओके, एनी इंपॉर्टेंट मैसेजेस श्रुति? चलो मैं ही देख लेती हूँ। श्रुति तब तक थोड़ा अपना नाक और मुंह साफ कर ले। पानी पीना तो पीले, बेचारी को मैंने बहुत छीके दिलवा दी। हाय रचना, हाय लैला, कौन सी ब्रांड का कढ़ाई? अरे यार ये ब्रांड की कढ़ाई, ये वाला तो मुझे पता है रामसन इंडिया का है, ये ऑरेंज वाला, लेकिन ये कौन सा ब्रांड है पता नहीं, बाद में देख के बताती हूँ। अब श्रुति जब तो ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। अब मैं दाल का तड़का दूंगी जैसे कि मैंने कहा, और मैं देखती हूँ कि दाल, हाँ दाल फूल भी गई है, आपको दिखा देती हूँ ये कैसे पकनी चाहिए। ये हरी मिर्च इसमें, ये दाल एकदम गर्म है, ये लिचुली कुछ भी काफी गर्म है। मैं अपने हथेली में ले लेती हूँ बाय वेस्ट द दाल, एंड ये आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम ऐसे मक्खन की तरह प्रेस होके पक गई। ओके, दैट्स व्हाट यू वांट। चलिए अब दाल रेडी है, अब यहाँ ये भी रेडी है, ये भी गर्म हो गया। अब मैं वापस क्लोजअप में आती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि दाल का दाल के तड़के में क्या पड़ेगा। चलिए पहले यहाँ पे एक्चुअली गोभी डाल देते हैं। ये देखिए अब आप देख रहे हैं कि गाजर के भी कलर कितने अच्छे से आ गया है, इट्स लुकिंग लवली, ठीक है। अब हम इसमें ये गोभी नाउ लुक एट द कलर्स, इसे हल्का सा हम सौते करेंगे। मिक्स, अब इसके साथ ना साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी डाल देंगे। तो इसमें पड़ेगा नमक, फिर एक ही साथ, बिकॉज इसे हमें ज्यादा हिलाना नहीं है, अदरवाइज यू नो गोभी सूखने लगती है, यू डोंट वांट दैट। लाल मिर्च, लवली लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, नाइस टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर, एंड फिर द मैजिक इंग्रेडिएंट विच इज चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें हम डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा ना श्रुति, टेम्परेचर हो रहा है तो थोड़ा दूर चली गया। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जस्ट ओह लव द कलर्स ऑफ दिस। बस अब इसे हम छोड़ देंगे पकने के लिए, ढक के रख देंगे, ठीक है। सो इसे हमें ज्यादा छेड़ना नहीं है, जस्ट लेट इट कुक स्लोली स्लोली सो दैट इसका ढक्कन
देखो अभी भी नहीं गर्म हुआ, ये साइड का जो है चलिए जीरा, ये मैं दाल का तड़का कर रही हूं, जीरा, हींग, हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी इसमें भी डाली थी, दाल को बॉईल करने समय भी डाली थी, अब तड़के में भी मैं डालूंगी। ओके, तो हरी मिर्च का ही मजा आता है, हरी मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं लहसुन काट के डाला है, अब इसमें मैं लहसुन डालूंगी जो मैंने इस तरह से स्लाइस किया है, सो बहुत बारीक भी नहीं, इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है तड़के में, एंड इट ऑल्सो लुक्स मच प्रेटियर, सो आई एम गोना ऐड दिस नॉट सो फाइनली स्लाइस्ड लहसुन विच इज गार्लिक इनटू द तड़का। दिखा दो इनको ये। अब अदरक मैंने ऑलरेडी दाल में डाला है, तो इसमें जो तड़के में जो अदरक पड़ेगा वो बारीक कटा हो, बट नॉट टू मच। ओके, सो अबाउट हाफ अ टीस्पून शुड बी इनफ। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। ओके, अब तड़के में जो प्याज पड़ेगा वो अच्छे से ब्राउन होगा, एंड दैट इज व्हाट वी वांट इन द, दैट इज द मैजिक वे ऑफ मेकिंग दिस तड़का, जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा और प्याज चाहिए, प्रीति ने काटा, प्रीति ने, अंजू प्लीज मुझे थोड़ा प्याज अंदर से दे दे, मैंने कटवाया था। तो ये जो लाइक मैंने कहा, ये जो दाल का तड़का है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दाल के लिए, तड़का हैज टू बी अ लॉट ऑफ, इट हैज टू बी रियली मेड वेल एंड हैज टू बी ऑफ इनफ क्वांटिटी। मैं थोड़ा सा प्याज इसमें और डाल रही हूँ, हाँ दिस इज नाइस, सो यू कैन सी मैंने पहले एक पूरा प्याज लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा और लिया, सो बट वन डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा अनियन है आपके घर में, अगर मीडियम साइज के हैं तो आप दो से तीन ले सकते हैं, ठीक है, दो भी काफी होंगे एक्चुअली। तो दिखा दो इनको ये क्वांटिटी प्लीज। ओके, अब इस क्वांटिटी को देखे आप घबराइए नहीं, क्योंकि जब ये ब्राउन होगा ना तो ये काफी कम हो जाता है, एंड देन आपको लगता है कि हाय थोड़ा सा और होना चाहिए था। चलिए अब हो गया ये इसका कार्यक्रम शुरू, इसको अभी ब्राउन होने में टाइम लगेगा, एक जरा नजर मार देते हैं गोभी पे, देखिए अब ये अपना मॉइस्चर छोड़ने लगा है, और अगर आपको लगे कि नीचे लग रहा है तो बाद में आप थोड़ा सा हल्का हल्का पानी का छींटा दे सकते हैं, जस्ट टू रिलीज दैट मसाला जो नीचे लग गया, ठीक है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा दाल, कितना लिया है दाल, एक कप दाल, एक मैंने जस्ट लिटिल पिंच ऑफ, नॉट पिंच, लिटिल डैश ऑफ वाटर आई एडेड, जस्ट क्योंकि ये दिखाओ इनको, हल्का सा यहाँ पे मसाला लग गया था तो उसको रिलीज कर लिया, नहीं तो वो लगते 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 जलता रहेगा, सो मैंने उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला, इतू सा लिटरली, बिकॉज आई डोंट वांट टू ऐड वाटर इन दिस सब्जी एट ऑल, ठीक है, क्योंकि वो शुरू में थोड़ा सा यू नो बाय द टाइम आई वाज एडिंग ऑल द वेजिटेबल्स थोड़ा सा मसाला लग गया था, ये मेरे गाजर गिरते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं। तो एक कप, किसने दाल के लिए पूछा था, एक कप दाल और उसमें चार कप पानी गया था। ऑलराइट, तो ये तो दो साल लेगा, अब इसको हम इसमें मूव कर लेते हैं, एंड आई मूव इट देयर, ये जो मेरा कढ़ाई है ना, मुझे ना कढ़ाई राधा द फ्लेम पंकरोज मी अलॉट, यहाँ पे मैं अब पनीर की तैयारी शुरू कर दूंगी, और ये जो है गोभी है इसे मैंने कम आंच में यहाँ पे रख दिया है, और तड़के को आई हैव मूव्ड टू अ हाई फ्लेम, लव इट।
यहाँ पे पीछे चले जाओ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, हर चीज का एक सिस्टम होता है। सब्जी कम आंच में पकेगी, जो दाल का तड़का है उसमें जो प्याज है अच्छे से ब्राउन होगा। सब्जी में प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, जस्ट हल्का सा पकाना है। जस्ट व्हाइल इट गेट्स ब्राउन एट द एजेस, तब तक उसको पकाना है। वी डोंट रियली नीड टू ब्राउन, एंड यू नो इवन द टमाटर जो हम डाल रहे हैं उसे भी हमें खूब सारा भूंजना नहीं है और उसका भुरता नहीं बनाना है। सो जस्ट ये दो गार्लिक जिंजर डालना है। क्या क्या क्या? गार्लिक और किसमें? सब्जी में। सब्जी में मैंने कोई गार्लिक नहीं, कोई जिंजर नहीं, सिर्फ जीरा और हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। इसमें ना अदरक ना लहसुन। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। इस रेसिपी में, मेरे रेसिपी में नहीं पड़ता है तो मैंने नहीं डाला। ओके, अब ऑल्सो क्या है ना कि आप जैसे अगर आप दो तीन चीजें खाने में बना रही होती हैं, अगर आप हर चीज में सेम इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे तो यू विल नॉट गेट अ फ्लेवर डिस्टिंक्शन। सो अब जैसे मेरे दाल के तड़के में पड़ा है खूब सारा जिंजर, खूब सारा तड़का, मेरे पनीर में भी पड़ेगा जिंजर और लहसुन, तो अब सब्जी में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों स्माइल किया श्रुति, बता। थैंक यू श्रुति। क्या क्या क्या? थैंक यू श्रुति। थैंक यू श्रुति। ओके, एनी अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन श्रुति को सब पूछ सकते हैं और वो मुझे बोल देगी। ओके, अब देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो रहा है, इसको मुझे थोड़ा और ब्राउन करना है, तो मैंने हाई आंच में रख दिया और ये इसे हम ब्राउन होने देंगे थोड़ी देर। यहाँ पे मैंने एक और पैन रख दिया है फॉर द पनीर। इधर आ जाए, पनीर के लिए मैं करीबन 2 टेबलस्पून मैंने घी डाल दिया है। 2 टेबलस्पून अगर नहीं है, 1 ही टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून और डाल देते हैं। Let's see the difference. It's actually, अगर देखा जाए तो cooking is such a science and it is so interesting to see कि किस तरह से आपका जो treatment है towards ingredients, वो किस तरह से आपके final dish को कितना अलग उसका फ्लेवर उसको इम्पार्ट करता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू पे अटेंशन टू। अब ये जो मैंने टमाटर काटे हैं फॉर द दाल का तड़का, उसको मैंने काफी फाइन चॉप, रफली चॉप किया है। डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। देखा, ये अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ये नाइस क्वांटिटी ऑफ टमाटर डालू। थोड़ा दूर चल जाएगा, बहुत गर्म है, मन ले जाएगा मेरा फोन। ओह सॉरी, मेरे भी गले में क्रॉश हो रही है, लेकिन कुछ कुछ इंडियन खाने के यही प्रॉब्लम है। अब मैं गैस को थोड़ा कम कर रही हूँ बिकॉज मुझे उतना टमाटर की ब्राउनिंग नहीं चाहिए। हमारे गले में राज टमाटर और प्याज की वजह से नहीं आ रही है, मिर्ची को जो हम इस तरह से पका रहे हैं उसकी वजह से इट इज इरिटेटिंग आवर थ्रोट। ओके, ना कम है छोटी प्लीज। एक नंबर पे करते हैं ये, ठीक है ना? इट्स नॉट सो बैड। दाल कौन सी है? मसूर की दाल, मसूर की दाल है। और मैं पनीर बना रही हूँ, पनीर के पीसेस को छोटे काटने। संजू को बोलू पकड़ने, जाना वॉश करके आना। संजू हेल्प श्रुति। ओके, मैं पूरा पैर दिखा दे मेरा, आगल दिखा भी सकती है। ये आउटफिट से एंडोर से है। वाइल श्रुति इज स्नीजिंग, मैं ले लूं तो जा बाथरूम में। रुको, मैं थोड़ा ले लेती हूँ बिकॉज मेरी श्रुति बहुत स्नीज कर रही है। सॉरी, उसको मैंने छींक दिलवा दी क्योंकि
सोच रही थी कि टमाटर क्यों है, लेकिन ये टमाटर समझे एक्स्ट्रा काट के दिए थे, तो दाल, बट आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दाल, आई डोंट नीड एनी मोर। जबर थैंक यू, मैं जरा हाथ खा लूं। ओके सो अब वी आर गोना स्टार्ट विद द मलाई पनीर। नाउ मलाई पनीर में एज द नेम सजेस्ट इट्स अ वेरी क्रीमी recipe, it's a very yummy recipe, it's a rich recipe. So it's richness, ye richness kis tarah se provide ho raha hai, ye richness provide ho raha hai with some cashew. So cashew ka kaun sa cashew hai, kaun sa, it is so nicely the paste is so nice. Now this is cream, so isme cream bhi padega aur cashew ka paste bhi padega. So this is cashew. Cashew ko aapne soak karke rakhna hai. See how fine the paste है, मतलब इतना fine है कि I almost got confused कि कौन सा cream है और कौन सा cashew का paste है, alright? So that is what is going to give it that nice richness that we are looking for. Okay, so let's begin. So you're good to go. Okay, let's start with the malai paneer. ये तड़का भी है ना यार, शुरू इसमें भी मैं थोड़े मसाले डाल देती हूँ और फिर दाल को इसमें transfer कर देती हूँ. Let's finish with that. हल्का सा इसमें नमक, तड़के में नमक मैंने दाल में भी ऑलरेडी डाली है, तो थोड़ा सा और नमक की क्वांटिटी देते हैं, टमाटर हो जाएगा ना कि और डालू, देखो डालू टमाटर थोड़ा थोड़ा सा, चलिए छुट्टी दीदी ने बोला है थोड़ा और टमाटर पूरा ही डाल देती हूँ, पनीर के लिए करना है इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, नमक डाला है, थोड़े से मसाले डाल देती हूँ और फिर इसे पकनी देखिए, ठीक है? तो इसमें थोड़ी सी हल्दी पड़ेगी, हल्दी मैंने ऑलरेडी दाल के अंदर भी डाल दिया बॉईल करने समय, तो डोंट हैव टू ऐड टू मच, एंड सम रेड चिली पाउडर एंड दैट्स इट। नमक वैसे कि मैंने कहा मैंने अगेन दाल में ऑलरेडी डाला है, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ी देर इसे पकने देंगे, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी। Wash my hands. Have a sip of water. कोई question तब तक? I met a few very sweet people. कल मैं एक एग्जीबिशन के लिए गई थी एंड दे टोल्ड मी हाउ मच दे लव माय मेरे घर का खाना, व्हिच इज क्वाइट लवली टू नो, बिकॉज एक लेडी बोल रही थी शी ओन्स अ स्टॉल, ज्वेलरी सेल करती है, और बोलती यू नो मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं जानती हूँ, एंड जब मैंने आपका मेरे घर का खाना देखना शुरू किया तो मुझे मेरी माँ याद आ गई और मुझे लगा कि ये घर की कुकिंग है, एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर रेसिपीज एंड मेकिंग दोज रेसिपीज एंड इट फील्स लाइक आई हैव रीच्ड होम एंड आई थॉट दैट वाज सच अ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट. So thank you, Rachita, once again. It was really nice meeting you. If you're watching today, then this is my tribute to you. All right. So ये देखिए ये तड़का हो गया है. Even though ये टमाटर मैंने बाद में डाले हैं, ये काफी हद तक पक गए हैं. Actually, let me not hurry up. Let me just let it पको final. बिल्कुल कम आंच कर दिया मैंने. थोड़ा सा टमाटर पक जाए, वरना वो क्या होता है, टमाटर पके नहीं तो उसका वो हल्का सा टाटनेस आ जाता है, which we don't want. Okay. Now, hopefully this oil is hot because मैंने काफी देर पहले इसको स्मोक करते हुए देखा, तो उसके बाद एक घी डाला हुआ है, अब हल्का सा इसमें जीरा पड़ेगा, देखो पकने गरम था, और इसमें एक तेज पत्ता, दो से तीन छोटी इलायची, अब क्रश करके डालेंगे तो बेटर है, मैंने ऐसे ही डाल दिया, दो तीन पेपरकॉर्न्स एंड दो और तीन लौंग, ओके ये हमने डाल दिया, आई जस्ट स्पैचुला कमी कर दी इन लोगों ने देने में, निकाल दी और नो प्रॉब्लम, लकड़ी वाला था ना, ठीक है, तो इसे हल्का सा पका लेंगे, देखो वो स्मोक कर रहा था फिर भी गर्म नहीं हुआ, ये तब तक हमें पकाना है जब तक ये थोड़ा फ्रेग्रेंट ना हो. व्हाई यू नीड टू क्रश द
इलायची बिकॉज वो फटने लगता है, क्योंकि वो पॉड होता है ना उसके अंदर जैसे ही तेल चले जाता है वो उसका जो मॉइस्ट जो एयर होता है वो इवेपोरेट होता है एंड इट पॉप्स. सो दैट इज व्हाई यू शुड क्रश इट अ लिटिल रादर देन एड इट होल. तो अब मैं अपने स्पैचुला से ही उसे तोड़ रही हूँ ताकि पॉप होके मेरे मुंह पे ना. ओके सो ये डाल गया इसके अंदर. ज्यादा इसे पकाना नहीं है, तब तक पकाना है जब ये थोड़ा फ्रेग्रेंट हो जाए. फिर इसके बाद हम डालेंगे बहुत बारीक कटा हुआ प्याज. नाउ मलाई पनीर का अपना अपना तरीका सबका होता है बनाने का. कई लोग इसे ग्राइंड करके डाल देते हैं, कई लोग पहले प्याज को पकाते हैं फिर ग्राइंड करते हैं. दिस इज माई भाभीज टेक्निक, सो आई एम यूजिंग दैट एंड इट इज वाओ. मैं खाती रह गई, साथ में चिकन भी बना था, बट आई एम समबडी हु इज आल्सो चिकन लवर एंड पनीर लवर. आई डिडंट इवन लुक एट द चिकन, द पनीर वाज सो टेस्टी एंड आई डिसाइडेड टू मेक इट फॉर मेरे घर का खाना. कम सोनाली. अच्छा प्याज इसमें ज्यादा नहीं पड़ेगा, जस्ट वन प्याज, बिकॉज इसमें लाइक आई सेड ये मलाई पनीर बन रही है, इसमें मसालों का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है जितना उसके क्रीमीनेस का उसके मलाईनेस का कॉन्ट्रीब्यूशन है. इसलिए प्याज इज देयर ऑफ कोर्स टू ऐड फ्लेवर बट नॉट टू ओवर पावर द फ्लेवर. इसलिए बारीक काट के डालना है और एक प्याज इज मोर देन एनफ फॉर अबाउट 500 ग्राम्स ऑफ पनीर. ऑलराइट ओके. टाइम का मुझे को ध्यान देते रहो. हियर माय लवली, आओ इधर दिखाओ. ये मेरा तड़का हो गया यहाँ पे दिख रहा है. अब ये जो दाल है ये मैं इसके अंदर इस तरह से डालूंगी. Now look at the color of this dal, guys. Whoa, it's beautiful. और ये ना इस तरह से थोड़ा अक्खा रहना चाहिए. अक्खा मसूर है तो ये अक्खा ही रहना चाहिए, इसे ज्यादा मैश करने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो इसमें राजमा डाल सकते हैं. कभी कभी मेरी मम्मी डाल देती थी जब जैसे ज्यादा लोग आ रहे हैं तो काली दाल वाला फील देने के लिए, बिकॉज काली दाल में भी कई बार लोग राजमा डालते हैं. बट frankly I don't like the taste of rajma in the masoor dal. This is magic on its own. So thoda sa kacha hai to main nikalungi. Ab ise again halki aanch mein chhod dena hai. Ise do teen acha ubal hum lane denge and just let it rijho with the tadka. So ये वो वाला दाल नहीं, वाली दाल नहीं है जिसमें बस तड़का लगाया और तुरंत सर्व कर दिया. ये वो वाली दाल है जिसमें तड़के का फ्लेवर हमें इन्फ्यूज करना है दाल में. तो तड़का बनाने के बाद दाल जब डाला फिर उसे छोड़ दिया ताकि वो बस पकता रहे अच्छे. ऑलराइट नाउ कम हियर प्लीज. ये अब हम मलाई पनीर की तैयारी शुरू कर रहे हैं. ओके थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट जब तक हो जाए प्याज तब तक इसे हमें सौते करना है. जरा सब्जी का भी हाल देखा जाए. छोटी ऑल राइट. अंदर के मसाले हैं इनको मैं गोभी के ऊपर डाल रही हूँ. मेरे हिसाब से ये जो भी गोभी कटी है ये भी थोड़ी सी बड़ी है, इससे भी छोटे पीसेस होने चाहिए तभी वो सब एक दूसरे के साथ मसाले ना अच्छे से लग जाते हैं. वरना आई डोंट नो इफ यू कैन सी थोड़े थोड़े मसाले गोभी के ऊपर ही लगे हुए हैं, अंदर तक रिचे नहीं है. ऑलराइट सो थोड़ा सा और अगर हम सरफेस एरिया कम कर देंगे गोभी का तो मसाले ज्यादा अच्छे से अंदर तक जाएंगे. ऑलराइट सो ट्राई टू मेक इट मच स्मॉलर देन दिस. अदरक. अब ये देखिए ये उबल रहा है, गैस मैंने बिल्कुल कम कर दिया. आई जस्ट वॉन्ट अ वेरी लाइट बॉयल. अब मैं इसमें सीजनिंग भी चेक कर लूंगी और अगर जरूरत हुआ तो वो भी डाल दूंगी. चेक द सीजनिंग ऑफ द दाल एट दिस पॉइंट. अगर आपने कुछ भी एडिशन करनी है दिस इज अ
good point to do it. नमक कम है, बहुत कम है, मैं डाल दूंगी। कितना टाइम बाकी है? 20 मिनट। हाँ, 20 मिनट हो जाएगा। थैंक यू संजू। नमक कम था तो मैंने नमक डाल दिया। एक्चुअली मेरे मम्मी के घर में हम व्हाइट नमक यूज करते हैं, यहाँ हम पिंक सॉल्ट यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना पिंक सॉल्ट होता है उसका जो सॉल्टीनेस होता है वो कम होता है। चलिए अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ, इसे थोड़ा प्याज के साथ हम पका लेंगे। ओके, साथ में मुझे थोड़ी सी और हरी मिर्च चाहिए, गर्ल्स मुझे दे दो, मैं काट लूंगी। हाँ थैंक यू संजू। हाँ तीखा बन गया, कोई नहीं, इतना तीखा तीखा तुम लोग डरा रहे हो, दाल में जरा भी तीखापन नहीं आया, मैंने कितनी मिर्ची डाली। तो यही एक ये ट्रिक मैंने ना नीलम दीदी से सीखी है, मुझे हमेशा लगता है उनका उनका जो खाना वो इतना स्वाद क्यों होता है, बिकॉज़ वो मिर्ची डालने में डरती नहीं है ना, हमें लगता है कि नहीं मिर्ची से बहुत स्पाइस हो जाएगा, बट फ्रेंकली उतना स्पाइस नहीं होता, इट जस्ट एड्स अ वेरी वेरी गुड फ्लेवर टू इट। ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज योर डिस्क्रेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच योर फैमिली लाइक्स। हमारे घर में तो सबको एक सर्टन लेवल ऑफ मिर्ची अच्छी लगती है, तो हाँ दो लिया मैंने, थैंक यू। तो आप इसे चाहें तो अच्छे से क्रश करके भी डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं इसे जस्ट फाइन चॉप कर रही हूँ, इधर से आ जाने तो दिखेगा नहीं। ओके, तो एकदम फाइन चॉप, ऑलमोस्ट लाइक योर मिंसिंग इट। एक पूरी मिर्च तो आराम से लग जाएगी। ओके, अब ये जो पनीर है इसमें मैं बिल्कुल लाल मिर्च नहीं डालने वाली हूँ, बिकॉज इसका कलर मैं व्हाइट ही रखने वाली हूँ। तो ये मैंने लहसुन के साथ हरी मिर्च डाल दी है। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ये फ्रेग्रेंट हो गया है तो अब मैं इसमें अदरक डाल दूंगी। अगेन अदरक को ऑलमोस्ट मिंस किया हुआ है, जिस देखिए इस तरह से ग्रेट किया हुआ है, तो वैसा अदरक करके हमें डालना है, उसे भी हम पका लेंगे। अब अगर आपके पास घर में क्रीम नहीं है तो यस आप बटर डाल सकते हैं, बट आई वुड टेल यू टू अवॉइड इट, बिकॉज बटर से ना आपको वो पनीर मखनी वाला फ्लेवर आएगा, मलाई पनीर वाला फ्लेवर नहीं आएगा, एंड बोथ वेरी डिस्टिंक्टिव फ्लेवर। सो आई वुड रिकमेंड कि आप मक्खन ना यूज करें। घर में अगर फ्रेश मलाई है, जो सबके घर में होती है, जो दूध के ऊपर जो लेयर ऑफ मलाई लग जाती है, आप वो निकाल के उसमें यूज कर लीजिए। इसको मुझे ना थोड़ा और कम आंच में डालना है, इट्स सो हाई शुगर। ओके, तो अब ये अब मैं इसमें ये काजू का जो हमने ग्रेवी बनाई है वो मैंने डाल दिया है। अब इस ग्रेवी में थोड़ा पानी डाल के इस बोल में जो बाकी का पेस्ट है उसे भी मैं निकाल लूंगी, बिकॉज बाद में भी ऑफकोर्स पानी पड़ेगा, बिकॉज हम ये पनीर थोड़ा सा थिक ग्रेवी होगा इसमें, सो वी वॉन्ट दैट, बट राइट नाउ आई एम पुटिंग लेस बिकॉज अगेन आई एम जस्ट फर्स्ट कुकिंग आउट द कैश्यू पेस्ट, एंड इसमें मैं मसाले मसाले डाल के इसको अच्छे से पहले पका लूंगी बिफोर आई क्रिएट द ग्रेवी। दिख रहा है श्रुति? गरम तो नहीं हो रहा ना ज्यादा, गरम हो रहा है तो दूर चले जा। ये देखिए किस तरह से ये थिक पेस्ट इस तरह से बन रहा है। अब इसे हम हल्का सा पकाते हुए सीजन करेंगे। एड सम सॉल्ट, नो हल्दी, इसमें बिल्कुल हल्दी नहीं पड़ेगी, इसमें मैं सिर्फ नमक एंड आइडियली थोड़ा सा व्हाइट पेपर डालना चाह रही हूँ, तो मैंने निकलवाया नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू एड काली मिर्च ऑल्सो, बिकॉज हरी मिर्च है सो दैट स्पाइस लेवल इज गुड। नो हल्दी, नो लाल मिर्च, इसमें बाद में जाके थोड़ा सा गर्म मसाला पड़ेगा। एड एट वन पॉइंट टू पॉइंट रादर कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया इसका मॉइस्चर निकालने के लिए,
थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे डालूंगी और थोड़ा सा बाद में। हल्का सा ऐसे हम पका लेंगे। जो खुशबू आ रही है वो कमाल की है। अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा क्रीम डालूंगी। अगेन हर पॉइंट में थोड़ा क्रीम डालना है बिकॉज आफ्टर ऑल ये मलाई पनीर बन रही है, तो हर एक पॉइंट में क्रीम ऐड होता जाएगा। अब मैं इस स्टेज में क्या करती हूँ, तेज पत्ता निकाल देती हूँ बिकॉज बहुत देर तक अगर तेज पत्ता हो ना तो कभी कभी वो हमारी डिश को थोड़ा सा कड़वा कर देता है, स्पेशली इन अ डिश लाइक दिस। दिस इज अ वेरी डेलिकेट डिश, सो यू डोंट वॉन्ट इट टू बिकम टू कड़वा। अब दाल में आपने चेक करना है कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए। अब एक बार ये जब पक जाए अच्छे से विद द तड़का, व्हाट आई लाइक टू डू इज चेक कि इसका टेस्ट अगर ठीक है तो इसमें मैं पानी डाल के इसी स्टेज पे उबाल लेती हूँ बिकॉज एंड में पानी डालने से ना वो फ्लेवर अच्छा नहीं आता बिकॉज वो रिझता नहीं है मसाला पानी के अंदर, और अगर पानी मसाले और दाल के अंदर। Now the seasoning is perfect. I'm adding a little water and slowly allowing it to cook. तो जब तक आपका खाना पक रहा है बस इसे धीरे धीरे, जैसे ही थोड़ा थिक हो जाए इसे धीरे धीरे पानी डाल के और पकाते रहिए, तो वो जो काली दाल वाला फ्लेवर है ना वो आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल द स्लो कुकिंग दैट यू आर डूइंग। तो अब जैसे मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा हिला दिया, एंड नाउ आई लेट इट सिमर ऑन लो हीट अगेन। ओके नाउ लेट्स कम टू द पनीर। ये जो बाकी का पानी था विद द कैश्यू पेस्ट ये डाल देंगे हम, एंड नाउ आई ऐड सम मोर वाटर टू इट बिकॉज वी वांट अ नाइस थिक ग्रेवी, एंड वी आर गोना कुक दिस आउट। अब मलाई पनीर अगर आपको बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो इसका ये भी तरीका है कि इसे पकाने के बाद आप लास्ट में स्ट्रेन भी कर सकते हैं, बट आई समहाउ लाइक दिस रस्टिक फील। जब भाभी ने बनाया था तो उन्होंने स्ट्रेन नहीं किया था, एंड आई वॉज इंजॉइंग द लिटिल बाइट्स ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज कमिंग, सो आई वुड रिकमेंड दिस वे। लेकिन अगर आपको एक बहुत ही फिनेस इस रेसिपी में चाहिए तो आप इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पनीर के जो पीसेस हैं वो इस तरह मैंने काटे हैं। अगर आपको इसे अलग से सॉटे करना है कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे पीसेस रखिए ताकि ज्यादा ग्रेवी को वो कोट कर सके। अगेन द सेम लॉजिक जो मैंने आपको गोभी के लिए कहा था, जैसे ही आप उसका सर्फेस एरिया कम कर दोगे ज्यादा ग्रेवी को कोट करेगा, तो आपके हर बाइट में फ्लेवर ज्यादा आएगा। राइट, एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? Come now, I can show people my face because I think बहुत देर हो गया है। Hello everybody, the food is almost done. Hello Mariam, मलाई पनीर ग्रेवी कुकिंग ऑन स्लो फ्लेम, yes absolutely स्लो फ्लेम, एंड रिमेंबर क्योंकि ये काजू का पेस्ट है ये ग्रेवी थिक होती ही जाएगी, होती आप पानी डालते जाएंगे ये थिक होता जाएगा, पानी डालते जाएंगे थिक हो जाएगा। तो जो लास्ट कंसिस्टेंसी बैलेंसिंग है वो आप तब कीजिए when you are ready to serve. Alright, so like just see, अभी मैंने इतना पानी डाला था, this has become nice and thick. I'll show you how thick it is. I need to just allow my sabzi also. सब्जी भी बड़ी अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इनफैक्ट जो जो लोग प्याज वगैरह भी नहीं खाते हैं इस रेसिपी में, अगर आप प्याज भी ना डालें काफी अच्छा फ्लेवर आता है बिकॉज ये सब्जियों का फ्लेवर ज्यादा होता है बिकॉज यू आर स्लो कुकिंग इट, दैट्स व्हाट। बट आई सजेस्ट दैट ऐड द अनियंस बिकॉज इट रियली डज ऐड टू द फ्लेवर। तो मैं क्या कर रही हूँ, वो जो अंदर की गाजर और मटर है उनको लेके मैं गोभी के ऊपर डाल रही हूँ ताकि वो अच्छे से पक भी जाए और मसाले अच्छे से अंदर खिंच जाए। Is looking beautiful. I'm just going to taste it once.
मैं ये मलाई पनीर का जो ग्रेवी है उसे टेस्ट कर रही हूँ। हाय लवली, जो कसूरी मेथी का जो फ्लेवर है एंड वो हल्का सा प्याज का यू नो बिटरनेस स्वीटनेस एट द सेम टाइम एंड दैट लिटिल हरी मिर्च का स्पाइस व्हिच आई हैव एडेड इज रियली डूइंग मैजिक टू द फ्लेवर्स। ओके दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी से ये ग्रेवी पक गई है, बट आई नो आई विल नीड अ लिटिल मोर वाटर, बट आई एम गोना लीव दैट फॉर द एंड बिकॉज लेट द पनीर सोक इन द ग्रेवी एंड देन आई एम गोइंग टू एडजस्ट द कंसिस्टेंसी। ऑल्दो मेरा जो पनीर है, ओके लेट मी जस्ट एड अ लिटिल बिट। प्रीति से पूछना कि उसने काजू कितना लिया था, ये वैसे तो थिक होता जाएगा। लवली, दस मिनट है ना, बस ये खत्म हो रहा है। ये बाकी का पनीर मैं बाद में करूंगी बिकॉज जो ग्रेवी मैंने अभी तैयार की है दैट्स गुड इनफ फॉर ओनली दिस मच पनीर बिकॉज बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा था ग्रेवी का। आई डिडंट वांट टू ऐड एनी मोर वाटर एट दिस स्टेज, तो जब मैं सर्व करूंगी तब मुझे अगर लगेगा कि बहुत थिक हो गया देन आई विल ऐड सम मोर वाटर, कुक इट आउट एंड देन ऐड द रेस्ट ऑफ द पनीर। ऑलराइट, तो अभी इसे थोड़ी देर हम पनीर के साथ पकने देंगे। पनीर डालने के बाद इसके साथ ज्यादा छेड़खानी हमें नहीं करनी है बिकॉज करेक्ट पनीर टूट जाएगा। जैसे कि मैं वॉश माय हैंड्स प्लीज। ऑलराइट, ओके, अब जरा सब्जी भी चेक कर ले बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट आई हैव नॉट टेस्टेड येट। मेन थिंग जो टेस्ट करनी है वो गोभी है कि वो अच्छे से पकी है कि नहीं। तो मैं एक छोटी कचौड़ी दे छोटी स्टील की भी चलेगी, वैसे मैं टेस्ट करती हूँ। थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा ये गोभी और मटर और गाजर सब मैंने डाल दिया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेस्ट इट विद माय हैंड्स बिकॉज क्लियरली वो चम्मच से नहीं कट रहा, विच मीन्स कि ये पूरी तरह से शायद पका नहीं है, पर टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा और पकना बाकी है, मटर गाजर टेस्ट कर लेते हैं। मटर ब्यूटिफुली पक गया, गोभी भी पकी गई है पर जिस तरह से पकनी चाहिए उस तरह से नहीं पकी है। नमक भी थोड़ा कम है तो मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं हल्का सा छीटा पानी का दे रही हूँ तब तक बाकी चीजों को मैं प्रेजेंट करूंगी तब तक इसका काम हो जाएगा। हल्का सा जस्ट अ टच ऑफ वाटर आई हैव एडेड, नथिंग एल्स, जस्ट टू एड द, तो क्योंकि अब पीसेस बड़े हैं गोभी के तो वो मॉइस्चर भी रिलीज करने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ओके बट नॉट टू वरी, हल्का सा मैंने उसे एड कर दिया है, गोभी ऑलमोस्ट पक गई है। कईयों को तो इनफैक्ट कच्ची, नॉट कच्ची बट लाइक अ लिटिल बाइट इन द गोभी दे प्रेफर, लाइक माय मदर इन लॉ प्रेफर्स दैट, शी डजंट लाइक एकदम यू नो एकदम ही सॉफ्ट गोभी, बट इस रेसिपी में मुझे अच्छा लगता है कि गोभी एकदम जैसे कि बटर की तरह मेल्ट हो जाए, वो ज्यादा मजा आता है। ऑलराइट, चलो लेट्स क्लियर आवर काउंटर शूट्स एंड नाउ वी विल बी रेडी फॉर आवर प्रेजेंटेशन। नहीं, पनीर को ढकना नहीं है, पनीर में कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे पकाना है, पनीर का ग्रेवी अच्छे से पका हुआ है। जस्ट गोना चेक फॉर सीजनिंग, एक कटोरी दो प्लीज। वो ही कटोरी दे दो। हाँ, सो आई एम चेकिंग द पनीर नाउ, मुझे डिशेस दे दो। कैन यू सी इट? Lovely. It's absolutely delicious. Salt, the spice level, everything is just wonderful. So now let's just finish it. इसको मैंने बंद कर दिया है, हल्का सा क्रीम ऊपर से और डालती हूँ। भाई मलाई पनीर है तो मलाई में कंजूसी नहीं, इनफैक्ट घर का जो फ्रेश मलाई है वो उसका फ्लेवर वाकई ज्यादा आता है। अच्छा, क्योंकि जब हमने घर में परसों बनाया था भाभी के साथ, जैसे भाभी ने हमारे घर में बनाया था उसमें उन्होंने घर की मलाई यूज की थी बिकॉज ये फ्रेश क्रीम था नहीं,
ओके धनिया मुझे काटना है दाल के लिए। दाल की भी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, इट्स ब्यूटीफुली रेडी। नाउ लेट्स सर्व इट। पहले दाल को सर्व करती हूं मैं, एक इसको हटा दे प्लीज। लवली बाल्टी, आई लव सच कॉपर डिशेस, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब कोई मेहमान अगर आपके घर में आए और आप इन्हें सर्व कर रहे हो तो ये इट जस्ट टेक्स द डिश टू अनदर लेवल। आप जब इसे देखते हैं तो लगता है अरे वाह, बाल्टी में प्रेजेंट किया है। ओ, आपको मेरा चॉपिंग बोर्ड आज दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट गोइंग टू चॉप अप अ लिटिल बिट ऑफ फ्रेश धनिया फॉर दिस। दाल में फ्रेशली चॉप धनिया बहुत 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 जरूरी है। जस्ट लिटिल बिट राइट नाउ, बाकी का सब्जी में जाएगा। पहले निकाला जाए, इसमें पनीर निकाल रहे हैं ना, और सब्जी इसमें सब्जी नहीं, सब्जी तो ये बड़ा लगेगा ना, काफी सब्जी है। पनीर इसमें, पनीर किसमें निकालूं बोलिए, इसमें कि इसमें? इसमें निकालती हूँ, दिखेगा है ना। अब दो चीजें इसके ऊपर पड़ेंगी, एक है थोड़ा सा गरम मसाला, जस्ट अ लिटिल हिंट ऑफ गरम मसाला ऊपर से, एंड सम मोर कस्तूरी मेथी, जस्ट अ डैश, जस्ट क्रश इट विद योर हैंड्स एंड जस्ट एड इट ऑन टॉप लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स फाइनल डॉलप ऑफ क्रीम। Last but not the least is my sabji time. Time, please. Lovely. Look at how beautiful the colors are looking. और हर एक सब्जी का जो look है, feel है, वो आपको दिख रहा है। इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा freshly chopped धनिया। तीन मिनट बाकी, बस 3 मिनट में मैं bye bye बोल दूंगी। And there you go. गोभी मटर गाजर की सब्जी इतनी beautifully तैयार है। And like I said, इसका मजा ही इसमें है कि आपको एक हर चीज अच्छे से दिखे भी और सारे मसाले अच्छे से अंदर मिल जाए। ऑलराइट, एंड हियर यू हैव माय मलाई पनीर, ओके, लुकिंग ब्यूटीफुल, एंड हियर इज माय मसूर की दाल। गाइस, वीकेंड में इसे बनाइए, बिकॉज ट्रस्ट मी बहुत ही मजा आएगा। और मैं अभी थोड़ा होल्ड करके रखती हूँ ताकि मुझे मेरा कवर पिक्चर मिल जाए, जो मैं हर बार भूल जाती हूँ। That's my malai paneer for you all. Okay, thank you for watching. And if there are any quick questions, बिना गार्लिक के भी बना सकते हैं। हाँ, देखिए इंडियन रेसिपीज ना, मैं तो कहती हूँ बहुत आसान होती हैं और आपके पैलेट
को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। अगर आपको मिर्ची नहीं चाहिए, मिर्ची मत डालिए, गार्लिक नहीं चाहिए, जिंजर नहीं चाहिए, प्याज नहीं चाहिए, मत डालिए, फिर भी मसालों के वजह से, सब्जियों के वजह से, पकाने के स्टाइल के वजह से आपके पास एक अच्छी खासी डिश तैयार हो जाएगी। इसलिए आई फील एक्सपेरिमेंट लर्न, होल आइडिया ऑफ मेरे घर का खाना है कि आप प्रोसेस सीखे। कोई कहता है कि आप क्यों इतना एक घंटे का प्रोसेस दिखाते हो सबको, क्या उससे फायदा होता है, क्यों सब लोग इतना पसंद करते हैं? तो मैं उनको समझाती हूँ कि लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि कई लोग हैं जो कुकिंग जानते नहीं है, तो हर स्टेज में क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक तरह से मैं उसे एडजस्ट कर रही हूँ, कभी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर रही हूँ, कभी फ्लेवर एडजस्ट करती हूँ। जब एक रेडी वीडियो आप देखते हो, जैसे मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस बनते हैं, दे आर ऑल फैबुलस ऑल्सो एंड यस यू वांट क्विक रेसिपीज, लेकिन द डिटेल इन विच आई गो व्हेन डूइंग अ फुल मील फॉर मेरे घर का खाना, ऑब्वियसली नोबडी कैन डू दैट इन एन एडिटेड वर्जन ऑफ अ रेसिपी, एंड आई अंडरस्टैंड हाउ मच दैट हेल्प्स यू, एंड आई देयरफॉर गो आउट ऑफ माई वे एंड आई मेक ऑल दैट एफर्ट टू डू दिस मेरे घर का खाना, बिकॉज आई नो इट रियली रियली हेल्प्स a lot of people. So thank you for watching and thank you for loving me and thank you for loving mere ghar ka khana. I absolutely appreciate it. अच्छा इसीलिए इतना ढग 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 हो रहा था, मैंने बोला था पराठे देना, मैं साथ में खा के देखूंगी, पर अब टाइम नहीं है जी, 6 बज गया, I'd rather कि आप ये वीडियो देखें rather कि मुझे पराठे खाते हुए. So love you guys, bye bye, see you next Friday, let me know what you want to watch next Friday, bye.